फटाफट से, ये देखो सामने नजर आ रहा है आप प्यासा दोनों, और इटली में बहुत ज़्यादा फेमस है ये, इसको बनने में 600 साल लग गए थे भाई। तो भाई ये हमारे सिटी टूर वाली बस आ गई है और अभी छत पे जाके बैठते हैं, पूरे शहर का मजा लेते हैं। ये देखो भाई सारी की सारी बिल्डिंग है ना एक जैसी है, और छत के ऊपर पूरा का पूरा पार्क बना रखा है। ये भी चीज़ देखने को ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मिलान है ना भाई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है इटली का, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है यहाँ पे। तो भाई प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए हैं मिलान सेंट्रले, मतलब मिलान सेंट्रल में पहुँच गए हैं। अभी फटाफट से बाहर चलते हैं, और जो सिटी टूर वाली बस चलती है ना भाई, सिटी टूर लेंगे आज, और जहाँ जहाँ भी वो लेके जाएगी जितनी भी मिलान की अट्रैक्शंस डेस्टिनेशन है, जो भी यहाँ की अच्छी अच्छी जगह है, वो हर जगह पे आपको घुमाएगी। तो आज सिटी टूर लेने वाले थे भाई मिलान का। तो वीडियो में बने रहिए, और भी काफ़ी कुछ देखने को है, और साथ में हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स आते हैं यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने, वो सारे के सारे आउटलेट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। और ये एक इंजन वाली ट्रेन है ना, एक डब्बे वाली ट्रेन हमें पुर्तगाल में भी देखने को मिली थी, और यहाँ भी चल रही है भाई, काफ़ी अच्छा है ये। अब हमने ना जो सिटी पास लिया ना, हम बस में भी घूम सकते हैं और इसमें भी घूम सकते हैं, तो मतलब एक पुरानी फीलिंग्स देती है भाई ये, बिल्कुल मतलब पुराने वाली है, क्या पता नहीं कितने साल से चल रही है ये। साथ में सत्येंद्र भाई वेट कर रहे हैं, अब 10 मिनट में हमारी जो सिटी टूर वाली बस है वो आने वाली है। तो भाई मिलान कैसा लगा, फर्स्ट व्यू ऑफ मिलान? अभी घूम के बताएंगे, अभी एंट्री है मिलान के अंदर। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो हमारी बस आ रही है थोड़ी देर में, तो मिलते हैं भाई, बस आती है फिर बस दिखाएंगे आपको, शाम को बताएंगे मतलब कैसा लगा सही में। तो बाकी आप लोग देख ही रहे हैं। तो भाई मैप भूल गए थे यहाँ पे, दोबारा से मैप लेना है, सॉरी आई फॉरगेट मैप हियर। श्योर, एज मेनी यू वांट। थैंक यू सो मच भैया। तो भाई मैप लेने के लिए दोबारा आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये भूल गया था भाई, इसमें पता रहता है ना हम कौन सी डेस्टिनेशन पे हैं और कहाँ कहाँ हमें जाना है, जल्दबाजी के चक्कर में भूल गए थे। तो फटाफट से बस स्टॉप पे चलते हैं, सत्येंद्र भाई बस स्टॉप पे ही वेट कर रहे हैं हमारा। तो भाई ये हमारे सिटी टूर वाली बस आ गई है, और अभी छत पे जाके बैठते हैं, पूरे शहर का मज़ा लेते हैं। किसी भी शहर में अगर आप घूमना चाहते हैं ना, तो ये सिटी टूर बस बहुत आसान तरीका होता है, क्योंकि ये हर जगह पे इनके है ना स्टॉप बने होते हैं, और वहाँ हर एक घंटे के बाद ये चलती है वहाँ से भाई। तो अभी ऊपर चलते हैं फटाफट से बस में, छत पे बैठ के मिलान घूमते हैं, मिलान दिखाते हैं आपको, जितनी प्यारी प्यारी डेस्टिनेशन है, ऐसा दोमु आउटलेट वगैरह सारी चीज़ें आप मैं आपको घुमाने वाला हूँ, तो वीडियो कुछ की बिल्कुल भी मत करना। तो भाई छत पे बैठते हैं खुली हवा में, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर पैड़ा। वेलकम वेलकम वेलकम, नो प्रॉब्लम। तो अभी ऊपर जाते हैं, सीढ़ी लगी हुई है, इसे ऊपर चलते हैं भाई, और ये देखो आगे चल के बैठते हैं। तो छत पे से कुछ ऐसा व्यू देखने को नजर आता है भाई, कितना मस्त लग रहा है ये देखो। देखो भाई सारी की सारी बिल्डिंग है ना एक जैसी है, और छत के ऊपर पूरा का पूरा पार्क बना रखा है, ये भी चीज़ देखने को है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मिलान में ना भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, साइकिलों के लिए देखो स्पेशल लाइन बना रखी है अलग से, और ये बस जहाँ पे चल रही है ना, बस और सिर्फ टैक्सी ही जा सकती है। आगे नज़र आ रहा हो ना, देखो यहाँ पे आगे ट्रेन का स्टॉप है, जो एक इंजन वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलती है मिलान के अंदर, तो रोड के बीच में ये रुकी हुई है, तो इस करके बस भी रुक गई। अगर देखो ये चली तो बस भी हम चलने लग गई, सर इसी करके रुक गई थी। मिलान में ना जिस भी गली में नज़र दौड़ाओगे ना भाई, आपको आउटलेट या आउटलेट देखने को मिलेंगे। काफ़ी सुंदर शहर है, सारी सारी एक लेवल में बनी हुई बिल्डिंग है यहाँ पे। मिलान है ना भाई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है इटली का, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है यहाँ पे, चारों तरफ आपको मेला ही मेला देखने को मिलेगा। और ये प्यासा दोमो आ गया उस साइड में, यहाँ पे उतरेंगे और आपको यहाँ का जो सिटी सेंटर है वो दिखाऊंगा। अभी पूरा मेला से लगा हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस है इटली का ये सिटी सेंटर, और इसका बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, क्या बात है। अभी चलते हैं नीचे भाई, मिलान की जो सबसे खास जगह है ना सिटी सेंटर दोमो, मतलब प्यासा दोमो बोलते हैं इसको इटली में, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है।
तो अभी चलते हैं इसी में, आपको पूरा का पूरा टूर कराऊंगा इसका, और उसके बाद ही आगे जाएंगे क्योंकि एक घंटे बाद नेक्स्ट बस आएगी, तब तक हम घूमेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत फेमस है, कबूतर बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के, क्योंकि सबके सब लोग है ना यहाँ पे वीडियोस वगैरह करते हैं, जैसे भी ऐसे हाथ करते हैं ना भाई, तो हाथ पे आगे बैठ जाते हैं यहाँ के कबूतर, इंटेलिजेंट है। तो अभी अंदर जाके दिखाऊंगा क्या सीन है इसका, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये, वीडियो में आपको छोटा लग रहा होगा, रोमन टाइम में बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मारियन सेंटी के नाम से कुछ लिखा हुआ है। तो चलते हैं भाई सीधे अंदर, यहाँ पे है ना क्या कुछ खास है, जो ये फ्लोर है ना जहाँ पे, नीचे अंडरग्राउंड है भाई, पूरा पूरा सिस्टम, मेट्रो स्टेशन है नीचे, तो पूरा का पूरा जो सेंटर है वो भरा हुआ है। मिलान सिटी सेंटर के अंदर पहुंच गए हैं, और सामने जो नज़र आ रहे हैं वो कैथोलिक चर्च है भाई, और बहुत ही लंबे समय में इसका निर्माण पूरा हुआ था, 600 साल इस चर्च को बनने में लग गए थे, और अब फिलहाल इसके अंदर म्यूजियम है, और इटली की जो सबसे रिचेस्ट सिटी है उसमें नाम आता है मिलान का, और टूरिस्ट चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ भरमा रहा है भाई, जहाँ भी देखोगे लोग लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, और इसकी हाइट 80 फीट के समथिंग है, ये वीडियो में आपको छोटा नज़र आ रहा होगा। मिलान के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है भाई, मतलब यहाँ पे सभी लोगों के मुंह पे स्माइल ही दिखेगी आपको, सारे के सारे लोग खुश नज़र आएंगे, तो ये भी एक रीज़न है भाई, यहाँ पे है ना मिलान में सब लोगों के पास पैसा है, रिच लोग आते हैं यहाँ पे, और दुनिया का भाई जो है पूरे का पूरा फैशन यहीं से चलता है, ये देखो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नज़र आ जाएंगे आपको जहाँ भी देखोगे। और मिलान का एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे लोग शॉपिंग करने आते हैं दूर दूर से, और दूसरी बात पता क्या है भाई, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ मिलान आते हैं स्पेशल शॉपिंग के लिए यार। तो फिलहाल इटली की मिलान सिटी के अंदर घूम रहा हूँ मैं, ये आप देख पा रहे हैं सामने बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है, और यहाँ पे कोई स्पेशल ओकेजन नहीं होता, और न्यू ईयर की बात की जाने भाई साहब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं भाई। मिलान का है ना पता क्या है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, ये देखो हर दो दो मिनट में यहाँ पे ट्राम चल रही है, और चारों तरफ भाई साहब लोग ही लोग दिखाई देंगे ये देखो। और अभी है ना मैं एक खास चीज़ दिखाऊँगा यहाँ की, क्योंकि मिलान फेमस है प्यासा दोमो के लिए, आउटलेट के लिए, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ की ट्राम आ गई भाई, ये देखो। तो अभी मैं फटाफट से आपको है ना बहुत ही खास चीज़ दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे टूरिस्ट बसें तो भाई साहब बहुत ही चल रही है, और फटाफट से ये देखो सामने नज़र आ रहा है आपके साथ दोनों, और इटली में बहुत ज़्यादा फेमस है ये, इसको बनने में 600 साल लग गए थे भाई, और अभी भी इसका जो है निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी इसमें काम चल रहा है। मिलान इस करके भी फेमस है क्योंकि फैशन है ना पूरे वर्ल्ड वाइड यहीं से चलता है, फैशन की बात करें तो यहाँ पे लगभग हर जो वर्ल्ड क्लास जो टॉप क्लास ब्रांड है ना वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये 1400 ईस्वी में इसकी जो है स्टार्ट हुआ था बनना, और ये सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे आर्मी भी खड़ी हुई है भाई, दो बंदे आर्मी खड़े हैं, और मेट्रो देखो घूम रही है चारों तरफ, मेट्रो नहीं सॉरी ये ट्राम जा रही है इनकी छोटी सी। मिलान के बारे में ना एक चीज़ बहुत फेमस है, पता नहीं लोगों ने ऐसी भ्रमांति फैला रखी है, ऐसे बोलते हैं यहाँ पे जिसको भी देखोगे आपको स्माइल करता हुआ नज़र आएगा, सारे सारे खुशी नज़र आएंगे। तो एक फेक सी वीडियो देखी थी उसमें बोल रहे थे अगर यहाँ पे अगर खुश नहीं हो तो आपका चलान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो हज़ारों लोग हैं यहाँ पे, दुनिया के कोने कोने से लोग घूमने के लिए आते हैं इटली में, और इटली में जो भी आता है वो मिलान ज़रूर आता है भाई, क्योंकि शॉपिंग करने के लिए भी है ना बहुत ही खास जगह है ये। भाई ये जो प्यासा है ना इसके अंदर पहले मार्केट भी थी, अब भी है ब्रांडेड आउटलेट्स वगैरह इसके अंदर, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं ये एक इनका जो है धार्मिक स्थल भी था पहले, और
अभी भी इसके अंदर देखो आगे जाके लाइनें लगी हुई हैं, और यहाँ पे कबूतर भी यहाँ के ना बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अगर कोई भी इनको दाना डालता है ना तो हाथ पे आगे ही बैठ जाते हैं। इस करके बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल जाती हैं, प्यासा दोमो नाम के से ये जाना जाता है भाई।